आम चुनाव है, 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, एक बार राज्य का मुख्यमंत्री को चुनने के लिए और एक बार देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए। इसलिए साथियों, इस बार सही से आपको चुनना है, क्योंकि ये देश जो है ये आपका है, किसी का जागीर नहीं है। इस देश के मालिक आप हैं। इस देश की आजादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वज ने लाखों की संख्या में शहीद हुआ, उसके बाद ये देश आजाद हुआ। और जब देश आजाद हुआ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए। उस संविधान में लोकतंत्र था, जिसमें गरीब पिछड़ा दलित के पास ये ताकत है कि राज्य में या देश में प्रधानमंत्री को अगर बनाना है या कुर्सी से उतारना है, ये जनता के हाथ में दिया है। साथियों, जनता के हाथ में दिया है, इसलिए मालिक आप है। अगर सरकारी नौकरी करने के लिए जाइएगा तो 60 साल तक आप नौकरी कर पाइएगा, लेकिन अगर नेता को चुनाता है तो सिर्फ 5 साल के लिए चुना जाता। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि जो भी नेता हो वो जनता का हित के काम करे। अगर जनता का हित का काम नहीं होगा तो 5 साल में चुनाव होगा और जनता निर्णय लेगा कि ये नेता को रखना है या नहीं रखना है। ये जनता के उंगली में दम होगा कि उसको चुनेगा। इसलिए साथियों, ये देश आपका है। आप हम नेता को क्यों चुनते हैं? क्योंकि हमारे देश को आगे लेके जाए। ऐसे हमें नेता को चुनना है कि जनता से जो वादा करे वो पूरा करे। अगर ऐसा नेता चाहे कोई भी क्यों ना हो, मोदी जी के जगह हम क्यों ना हो, अगर मैं भी हूं, अगर आपसे वादा करता हो तो वादा अगर पूरा नहीं करता हो तो आपका पूरा अधिकार बनता है कि इसको हटाने का। साथियों, इसलिए साथियों हमसे हमें आप जवाब दीजिए कि मोदी जी ने कहा था कि हमें सरकार में लाओ, हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, क्या आपको नौकरी मिला? मोदी जी ने कहा था कि विदेश से काला धन लाएंगे और आपके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे, क्या मोदी जी विदेश से काला धन लाए? क्या आपके खाता में 15-15 लाख रुपया आए? नहीं आए। मोदी जी ने कहा कि किसान का आय दुगुनी करेंगे, क्या हमारे किसान भाई को आमदनी दुगुनी हुआ? नहीं हुआ। साथियों, तो अब आपको और हमको क्या करना है? जो सरकार से हमारा देश ना चले वैसे उसको क्या करना चाहिए? बदल देना चाहिए। साथियों, बदल देना चाहिए। जब मोदी जी आए तो उन्होंने कहा अपने अपने सांसद को कि तुम लोग एक गांव को गोद लो। आप सबको पता होगा, आज बताइए मोदी जी के सांसद से, मोदी जी से इस देश का एक गांव नहीं संभला तो ये देश कैसे संभलेगा? साथियों, देश कैसे संभलेगा? गांव में कुछ लोग होते हैं बाप दादा का संपत्ति बेचकर फुटानी करते हैं। आज वही हाल है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का। देश के जितने भी संपत्ति है, रेलवे हो, हवाई अड्डा हो, तमाम हमारे सरकारी संस्था को आज बेचते हुए जा रहे हैं और अपने आप को कह रहे हैं कि हम देश को विकास कर रहे हैं, फुटानी कर रहे हैं। इसलिए साथियों, आज बताइए 8,000 करोड़ का प्लेन में घूमते हैं, 10 साल में 15,000 बार कपड़ा बदले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। आप बताइए ऐसे हमें प्रधानमंत्री चाहिए जो एक दिन में 4 बार 5 बार 6 बार कपड़ा बदले? तो ये सरकार जो है मोदी जी, वो देश के लिए नहीं है, सिर्फ वाहवाही करने के लिए है। साथियों, इसलिए तमाम हमारे पिछड़ा अति पिछड़ा भाई से, दलित भाई से अपील है कि ये आपका सरकार नहीं है, ये गुंडा वाला सरकार है। साथियों, गुंडा वाला, अभी आपने देखा होगा एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए लोगों से चंदा लिया जाता है। गांव में देखते होंगे, शहर में देखते होंगे, कोई किसी को ठेका मिल गया तो वहां का गुंडा उसको बोलता है हफ्ता दो तब हम तुमको काम करने के लिए देंगे। गांव में गुंडे लोग होते हैं, दुकान पे आपको कहेंगे कि हमको घर में 5 किलो चावल भेज दीजिएगा फिर आप सही से रहिएगा। वही सरकार है। आज देश में चंदा लेते हैं, ठेका देते हैं, जो ठेका नहीं देंगे, जो चंदा नहीं देंगे उसको जेल में भेज देंगे, ईडी सीबीआई का नोटिस भेज देंगे और उसके बदले में 16,000 करोड़ रुपया चंदा के तौर पर ले लिया। भारत में हर जिला में एक एक ऑफिस आलिशान ऑफिस बना लिया। बताइए ये कंपनी चला रहे कि सरकार चला रहे? सरकार का काम है कि पूरे देश में कब्जा करना, हर जिला में अपना ऑफिस बना लेना, दफ्तर बना लेना। नहीं, कांग्रेस इतना पुराना, साल 150 साल पुराना है, बताइए उन्होंने एक ऑफिस नहीं खर्च पाया और इन्होंने हर जिला में हर लोकसभा क्षेत्र में एक ऑफिस खरीदा जा रहा है। इसलिए साथियों, ये गरीब पिछड़ा का सरकार नहीं है। इसलिए तमाम हमारे यहाँ पे उपस्थित जितने भी गरीब समाज के लोग हैं, जितने भी पिछड़े समाज के लोग हैं, सब का दायित्व तो बनता है कि मोदी जी को बदलकर अपनी सरकार बनाइए ताकि गरीब पिछड़े का हक अधिकार मिल सकता है। साथियों, इसलिए तमाम आप सभी से अपील है, आगे 2-2 कार्यक्रम और है। हमारे श्रवण कुशवाहा जी यहाँ से
प्रत्याशी बने हैं, लालटेन छाप है, मजबूती से इसको बटन को दबाकर इसको विजय बनाइए ताकि यूपीए का सरकार दिल्ली में बने और हम लोग मजबूत आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। निषाद का आरक्षण जो है वो भी पूरा होगा। तमाम हमारे भाई विद बेदा नुनिया माला जितने भी निषाद की उपजाति है सभी लोगों ने आपने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया है। समय आ गया है कि संकल्प को साकार करने का और मोदी जी को बदलने का। तमाम साथी को बहुत